सभी को प्रेज नो चैनल से एक बार फिर से नए टूर पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मेरे जीतु मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर बड़े काम कर रहे हो और आप देख रहे हो कि परमेश्वर ने अपने भवन की नींव भी डलवा दी है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि जब परमेश्वर कोई बड़े काम करते हैं तो शैतान कई बार उस काम को रोकने की कोशिश करता है, दखल डालता है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने कहा है कि जो काम प्रभु ठानते हैं उसमें कोई दिक्कत रुकावट नहीं आ सकती। परेशानी बेशक एक शैतान हमें लाना चाहे लेकिन परमेश्वर बहुत महान है। मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ जो एक डिसीजन लेते हैं खुदा के लिए कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रार्थना लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे बहुत प्रार्थना करनी है, तो तुरंत उनके साथ कोई हादसा कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे वो परेशान हो जाते हैं। तो याद रखना कि शैतान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। तो हमारा पहला स्टेप जब परमेश्वर के प्रति होता है तो शैतान का भी पहला स्टेप हमारे अंगेस्ट हो जाता है। तो याद रखना। तो टॉपिक मुझे कुछ और का है क्योंकि प्रभु ने मुझसे कुछ कहा है इसलिए, लेकिन ये बात मेरे मन में बहुत दिन से चल रही थी, यानी कि कुछ दिनों से। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरा में सौंपता हूँ, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब तेरे ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे से तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल जैसे भी मैंने कहा कि परमेश्वर मुझे सारी बातें बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जो लोग परमेश्वर में प्रति ईमानदार है, वफादार है और जो चलना चाहते हैं खुदा में, तो शैतान उनको रोकता है। जैसे मैं भी ने कहा कि अगर आप प्रभु में अभी अभी आए हो और आपने प्रार्थना स्टार्ट करी हो फिर भी कोई ऐसा हादसा कोई ऐसी घटना आपके साथ हो रही है, तो ये मानना कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा आप आगे बढ़े और इसलिए वो आपके विरुद्ध हो गया। जो आपकी तरफ था शैतान वो आपके विरुद्ध हो गया। लेकिन बात करेंगे आज हम सबकी जान के खतरे की। जैसा आपने टाइटल में देखा होगा, बिल्कुल सबकी जान खतरे में है ना, और ये बहुत बड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़ कह रही है, सब कुछ कह रहा है। कौन लोग किसकी जान खतरे में है? जो वैक्सीन के चक्कर में आ चुके हैं। बिल्कुल सही सुना। अभी हाल ही में आपको पता है कि एक न्यूज़ वायरल है और ये वायरल सच न्यूज़ है और खुद उन्होंने वैक्सीन वाली कंपनी ने खुद माना है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझे वैक्सीन से बचा के रखा अभी तक रखा है, हालेलुया। और परमेश्वर आज उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करवाएगा, उन लोगों का डर दूर कराएगा जो वैक्सीन लगा चुके हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी की हो, है ना, कोरोना वैक्सीन लगा चुके हैं, लेकिन उनके अंदर डर आ गया कहीं हमारी जान तो नहीं चली जाएगी, कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अगर आप भी उस वैक्सीन का हिस्सा हो तो डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बहुत महान है, वो अपने लोगों को बचाना जानता है। जब वो कोरोना से बचा सकता है, जब वो मृत्यु से बचा सकता है, जब वो शेरों की मांस से बचा सकता है, जब वो फिरौन से बचा सकता है, तो आपको क्यों नहीं बचाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रार्थना संदेश लोगों को समझाना प्रार्थना करना भविष्यवाणी करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे तो बिल्कुल जो परमेश्वर जलती हुई आग से बचा सकता है, जो सब कुछ कर सकता है, तो वो आपको इस बीमारी से महामारी से क्यों ना बचाएगा। वचन क्या कहता है देखो, वचन में जाएंगे। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वचन संहिता 91। ओ परमेश्वर और साथ वचन संहिता 91 जरा वचन पे गौर करना। देखो वचन क्या कहता है, तेरे निकट हजार और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा। इसका मतलब क्या है, 10,000 गिरेंगे 1,000 गिरेंगे, यानी कि कई बार हम सुनते हैं कि वहाँ पे ऐसा नुकसान हो रहा है या समय ट्रेन हादसे जा रहा हो रहा है या कोई भविष्यवाणी ऐसी आ गई या कोई महामारी ऐसी आ गई, आपको खबर सुनने में आ रहा है कि इस खाने से ऐसा हो रहा है ना, और आप वो खा रहे हो और आपके आसपास का ऐसा माहौल है कि आपको डर है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तेरे निकट हजार और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे वो तेरे पास ना आएगा। यानी कि आप जो भी सुनोगे, है ना, अकाल की न्यूज़ सुन रहे हो, आपकी जॉब जा रही है, मतलब लोगों की जॉब जा रही है, आपको डर की जरूरत नहीं है। अकाल के दिन में भी तृप्त करने वाला मेरा परमेश्वर है। अगर आज आपको वैक्सीन से ऐसा सुनने में मिल रहा है तो यकीन करना कि परमेश्वर ने भी आपसे वादा कर रखा है कि तेरे घर हजार और तेरे दाने 10,000 करेंगे, तो आप ना खुद डरोगे बल्कि दूसरों को डरे वालों को भी आप हिम्मत दोगे और कहोगे बेटा परमेश्वर पे विश्वास कर। अगर आपका भाई है, आपकी बहन है या आपका कोई दोस्त है, कोई भी है, अगर उसको ऐसा डर लग रहा है कि नहीं मैंने वैक्सीन लगा ली अब मेरा क्या होगा, तो उससे कहना डर मत, परमेश्वर हमारा जीवित है, हालेलुया, वो हमारे खून के अंदर उसका खून है, तो मैंने हानि नहीं हो सकती। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ उस टॉपिक पे। और परमेश्वर देखो अपने लोगों को बचाता है और प्रभु ने पहले भी बचाया है और हमेशा बचाएगा। वचन कहता है वो बचाता रहेगा। तो याद रखना मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस प्रार्थना के लिए जो आपने कहा। आज हर डर का आत्मा, हर खौफ का आत्मा आज अभी इस वक्त लोगों के दिल दिमाग से जाए पिता, और जो भी भारत में खतरा है पिता वो टल जाए, कोई भी ऐसा नुकसान किसी को ना हो पिता परमेश्वर। प्रभु तू महान परमेश्वर, बड़े काम करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं सबको तरफ सौंपता हूँ, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन।
मेरे ऐसे तो वाक्य में हम पूरे भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर सबकी जान बचाएंगे और ये जो वैक्सीन का जो खतरा है ये टल जाएगा। जय मसीह।